हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पिछला वीडियो में हमने ग्रुप का कुछ एग्जांपल देखा था, तो उसी से आगे आज पढ़ते हैं। चलिए आज एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम मेरा क्या है कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, दैट इज क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। हम लोग को दिखाना क्या है थ्योरम है कि ग्रुप में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट, ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होता है। तो याद कीजिए, हम बताए थे जब ग्रुप का डेफिनेशन बता रहे थे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, इस थ्योरम को प्रूफ देखने से पहले चलिए हम देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। वैसे पिछला वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट कहते किसको थे। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता था कि कोई भी ग्रुप है, इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे, इस ग्रुप में तो बहुत सारे एलिमेंट है, तो इस ग्रुप का अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे, इस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके साथ इस ए को ऑपरेट करने के बाद यही एलिमेंट रह जाए। इस ए को उसके साथ ऑपरेट करने के बाद ही एक एलिमेंट है जो इसी में एग्जिस्ट करेगा, तो उसके साथ जब ये को हम ऑपरेट करेंगे तो ए के इक्वल रह जाएगा। तो यहाँ ऑपरेशन जो हम लोग डॉट लिए हैं, यहाँ कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ जो डॉट लिए हैं हम लोग ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन लिए, प्राइमरी ऑपरेशन यहाँ क्या है मेरा, मल्टीप्लीकेशन। तो इस ई को ए के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट रह जाएगा, या ए इंटू ए करे तभी वही एलिमेंट होगा। तो इसी ई को हम लोग कहते थे आइडेंटिटी। तो इस ग्रुप का क्या होगा, ई आइडेंटिटी कहलाएगा। तो वही दिखाना हम लोग की ई जो एग्जिस्ट कर रहा है इस ग्रुप में वो मेरा यूनिक होगा, इसके अलावा दूसरा आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, ई, वन एंड ओनली एलिमेंट सिर्फ ई होगा, इसके अलावा दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइडेंटिटी इसके अलावा दूसरा आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए दिखाते कैसे हैं। तो देखिए प्रूफ में हम लोग लिखे हैं क्या, लेट जी बी एन ए ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, एंड ऑल्सो और क्या किया, ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, जी कोई ग्रुप है उसमें एक एलिमेंट मान लिया हम लोग क्या, ये है। अगर लेट ई एंड ई डैश बी द टू आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, हम लोग फिर से क्या मान लिया कि ई एंड ई डैश बी द टू आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी, हम लोग को दिखाना कि आइडेंटिटी एक ही होता है, ग्रुप में आइडेंटिटी एक होता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या किए हैं, दो आइडेंटिटी मान लिए हैं। तो हम लोग क्या दिखा देंगे, कि E इक्वल टू E डैश दिखा दिए तो मतलब क्या, दोनों एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी यूनिक हो जाएगा, मतलब ओनली वन और वन, ओनली एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है आइडेंटिटी में। तो दोनों को अगर हम सेम, दोनों को इक्वल दिखा दिए तो आइडेंटिटी मेरा एक ही एलिमेंट हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी यूनिक हो जाएगा। तो चलिए वही काम करेंगे हम लोग। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब क्या, सिंस चूंकि ई तो यहाँ आइडेंटिटी मान चुके हैं, ई और ई डैश दोनों आइडेंटिटी, तो चूंकि ई बी द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी, ग्रुप जी में आइडेंटिटी को मान चुके हैं, ग्रुप जी में हम आइडेंटिटी को मान चुके हैं, तो क्या, और ये कोई एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी के डेफिनेशन से क्या देखे थे, कि ए को अगर ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट रह जाएगा, तब हम ई को आइडेंटिटी कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि ये कोई भी एलिमेंट था और ये मेरा आइडेंटिटी था इसी ग्रुप में, किस ग्रुप में, जी में। तो ए को जब ई के साथ ऑपरेट किए तो ए के इक्वल होगा, क्योंकि ई तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर ये ही रहेगा, या ई को फिर ये से करे तो ए के इक्वल आएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ, ये इंटू ई करे या ई इंटू ये करे, दोनों इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये के इक्वल। उसी तरह सिमिलरली जब ई को ए के साथ ऑपरेट की तो ये के इक्वल आया, सिमिलरली उसी तरह सिंस चूंकि ई डैश आल्सो बी आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी। देखिए यहाँ पे दो आइडेंटिटी मानी हुई थी, ई एंड ई डैश, दो आइडेंटिटी मान लिए थे हम लोग, तो ई डैश भी था, ई डैश भी क्या आइडेंटिटी है ग्रुप जी का, ई डैश भी एक आइडेंटिटी मान लिए थे ग्रुप जी का। तो वही यहाँ लिखा हुआ कि ई डैश आल्सो बी द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी का आइडेंटिटी ई डैश है। तो जब इसको ए के साथ ऑपरेट करेंगे, ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, या तो ई डैश इंटू ए करे या ए डैश इंटू ई करे, दोनों ए के इक्वल आएगा। तो देखिए देयरफॉर यहाँ और यहाँ से क्या देखें,
ये इंटू ईटा इक्वल टू ये, या ये के इक्वल है, या ये इंटू ईटा इक्वल टू ये के इक्वल है, इंटू ये के इक्वल है, ईटा इंटू ये के ही इक्वल है। तो देयरफॉर दोनों ए के इक्वल है, तो हम लोग क्या किए कि ये इंटू ईटा, ये इंटू ईटा को इक्वल टू ये कर दिए, और फिर यहाँ से ये इंटू ईटा इक्वल टू ये किए हुए, और इसको इक्वेशन वन और टू मान ली, ये इंटू ईटा इक्वल टू ये, यहाँ से लिखे, कहाँ से लिखे, यहाँ से ये इंटू ईटा, इसको हम ई इंटू ईटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ई इंटू ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई इंटू ये कर सकते हैं, इसको इक्वल टू ई भी ये के ही इक्वल है, तो इसको इक्वेशन वन वन मान लिए, इसको ये इंटू ईटा की, तो इसको इक्वेशन टू मान लिए, ये इंटू ईटा, तो इसको इक्वेशन ये मान लिए, इसको ई डैश इंटू ये भी कर सकते हैं हम लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रॉम वन एंड टू से, फ्रॉम वन एंड टू से क्या लिखा था इसका, देखिए आर एच एस ये दोनों इक्वल है, तो इसका एल एच एस भी इक्वल होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर एल एच एस इक्वल होता है तो आर एच एस भी इक्वल होगा, तो फ्रॉम वन एंड टू से भी है हमारे पास क्या है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है, तो एल एच एस इसका आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस भी इक्वल होगा, जब एल एच एस इक्वल होगा तो एल एच एस जब इक्वल है तो ये इंटू ये दोनों तो सेम एलिमेंट था, ये तो एक ही एलिमेंट है ना ग्रुप जी का, तो दोनों जब सेम एलिमेंट है तो दोनों कैंसिल कर देंगे किससे, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है क्या, तो देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन क्या होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है कि जब हम लेफ्ट साइड से कैंसिल करते हैं, जब हम लेफ्ट साइड से क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं कोई भी एलिमेंट को, जब हम लेफ्ट साइड से कैंसिल करते हैं तो उसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, और अगर यही एलिमेंट ई इंटू ये रहे इक्वल टू ई डैश इंटू ये रहे, तो इसको अगर हम राइट साइड से कैंसिल कर रहे हैं तो इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, अगर राइट साइड से कैंसिल कर रहे हैं तो इसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, तो क्या कहते हैं राइट कैंसिलेशन, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि लेफ्ट कैंसिलेशन, क्यों ये मेरा लेफ्ट साइड में, तो इसको लेफ्ट साइड से कैंसिल किए, तो इसको हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल किए, इसको ए को, तो मेरा एलिमेंट है कोई, और ई इक्वल टू ई डैश हो गया, ई इक्वल टू ई डैश, तो ए कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा क्या, ए इक्वल टू ई डैश, ए इक्वल टू ई डैश जब बचा, ए इक्वल टू ई डैश हो गया, तो हम लोग क्या दिखा दिए, हम लोग दिखा दिए कि जो दो एलिमेंट माने थे ई और ई डैश, टू आइडेंटिटी, जो दो अलग अलग आइडेंटिटी माने थे वो दोनों आइडेंटिटी मेरा क्या हो गया, सेम हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी, द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी, द ग्रुप जी इज यूनिक, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी इज यूनिक होता है, यही तो कंफ्यूज होता है, कहा तक आप लोग देखे क्या, ई और ई डैश दोनों इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, की आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप जी में यूनिक होता है, तो यही था थ्योरम, और थ्योरम था इसको प्रूफ किस तरह पूछ सकता है कि प्रूफ दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इन योर ग्रुप जी, इन योर ग्रुप इज यूनिक हो सकता है, ग्रुप जी में यूनिक दिखाना, तो ये मेरा कहाँ का था, अगर आप विद्या जैसा है आपके पास तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ कि प्रूफ दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इन योर ग्रुप जी इज यूनिक, तो अगर उसको हम लोग इस तरह से, उसको हम लोग इस तरह से प्रूफ करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, कोई भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा उस ग्रुप में वो यूनिक होगा, हम लोग क्या दिखाना है, थ्योरम बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है ये, उसका इनवर्स हम लोग को क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना, तो इनवर्स का डेफिनेशन क्या था, इनवर्स का डेफिनेशन था कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे ये, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे ये, उसको उसको उस इसके इनवर्स, इसके मतलब उसको एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन के बाद जो आएगा आइडेंटिटी आता, अगर आइडेंटिटी आए तो यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ए का इनवर्स, तो आज तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन क्या लिए, मल्टीप्लीकेशन बाय ऑपरेशन, मेरा मल्टीप्लीकेशन है, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये को जब हम 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डॉट 1/a को ऑपरेट करेंगे तो ई आइडेंटिटी ई के बराबर आना चाहिए, ई मेरा क्या होता है, ई मेरा यहाँ 1 है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मेरा 1 होता है, तो वही ये कैंसिल हुआ तो किसके इक्वल हो गया 1,
वन के इक्वल हो गया, तो ये मेरा आइडेंटिटी है, यही मेरा ये है। तो यहाँ ए का इनवर्स क्या है, वन बाई ए, या फिर वन बाई ए रहे कोई ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो ई के इक्वल आता है। तो यहाँ पे वन बाई ए का इनवर्स क्या है, ये। तो वही हम लोग को दिखाना है कि ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी यूनिक होगा। वो क्या होगा, वो एक और एक, सिर्फ एक ही एलिमेंट, सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। आइडेंटिटी मेरा पूरे ग्रुप के लिए एक होता था, आइडेंटिटी क्या था मेरा पूरे ग्रुप के लिए, पूरा ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेते उसके साथ ही उसको जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी आता था। तो पूरे ग्रुप के लिए आइडेंटिटी मेरा एक ही था। आइडेंटिटी क्या था, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते थे तो वही एलिमेंट रह जाता था पूरा ग्रुप में। ये मेरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है ग्रुप का, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसको जब एक ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये केवल होता था। लेकिन यहाँ इनवर्स क्या है, इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग होता है, इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग होता है और यूनिक होता है। तो वही हम लोग को प्रूफ करना कि इनवर्स यूनिक होगा। तो देखिए प्रूफ इसको कैसे करते हैं, क्या कि मान लीजिए लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ये ग्रुप जी, मान लें क्या कि हम लोग कि ये कोई भी एलिमेंट होगा ग्रुप जी का एंड ए बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो ग्रुप ग्रुप है तो ग्रुप में तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो आइडेंटिटी को क्या मान लिया हम लोग, ई मान लिए यहाँ पे, आइडेंटिटी को क्या मान ली है यहाँ पे ई, और ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है ग्रुप जी का। तो हम लोग को दिखाना है कि जो ए का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। तो हम लोग इसको मान लेते कि हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल हम लोग इसको दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाएंगे मतलब दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाएंगे मान लिए कि इसको दिखाना यूनिक। तो हम लोग मान लिए कि ए का दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बी और सी, हम लोग मान लिए कि बी और सी दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, किसका, ए का। तो अगर हम पी इक्वल टू सी दिखा दिए तो मतलब क्या, जो इनवर्स था ए का जो इनवर्स था वो यूनिक होगा। बी इक्वल टू सी हो गया मतलब दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है तो मतलब एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और बी और सी मेरा यहाँ इनवर्स था तो एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए दिखाते हैं इसको, देखिए वही किए हैं इफ पॉसिबल। हम लोग मान ये कोई एलिमेंट था और ई आइडेंटिटी था ग्रुप जी में, तो मान लिया कि पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ई, ये का कोई ए कोई एलिमेंट था ग्रुप में जिसका हम लोग दो इनवर्स मान लिए बी और सी, दो एलिमेंट है। तो जब इनवर्स के डेफिनेशन से, इनवर्स के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि इनवर्स के डेफिनेशन से क्या जानते हैं, इनवर्स ऑफ उस एलिमेंट को, इसको और इसके इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिमेंट मेरा ई था और इनवर्स बी को, बी तो मेरा इनवर्स लिया हुआ है, तो ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट ए को जब बी के साथ गुना करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा, या तो फिर बी को ए के साथ करें या ए को बी के साथ करें, किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल। क्यों, क्योंकि बी इज द इनवर्स ऑफ ई, यहाँ लिखा हुआ है कि बी जो है सो मेरा इनवर्स है। तो इसको इक्वेशन वन मान लें, और इसी तरह और देखते हैं ए इंटू सी, ए इंटू सी, ए इंटू सी करे या सी इंटू ए करे, किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि सी भी मेरा एक इनवर्स माना हुआ है यहाँ पे, सी हम लोग माने कि एक इनवर्स है किसका, ए का, दो इनवर्स माने थे तो एक बार ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के इक्वल होगा इनवर्स का डेफिनेशन से। उसी तरह जब सी मेरा इनवर्स है उसको जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, सी, ई के इक्वल होगा। जब ई के इक्वल होगा, जब ई के इक्वल होगा कैसे होगा, क्योंकि सी का इनवर्स होगी, सी जो है सो मेरा इनवर्स है किसका, ए का। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि हम लोग निकाल रहे हैं बी डॉट, बी डॉट ए डॉट सी, क्या किए हैं, ए और सी को एक ब्रैकेट में रखे और बी को बाहर रखे हुए हैं। तो देखिए ए डॉट सी, ए डॉट सी को फ्रॉम टू से, टू से देखिए ए डॉट सी को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट सी को हम लोग ई लिख सकते हैं, बी का बे रहने दिए और ए डॉट सी इक्वल टू ई है। फ्रॉम टू में हम लोग देख सकते हैं कि ए डॉट सी इक्वल टू ई हुआ, तो बी डॉट ई, अब बी डॉट ई मेरा यहाँ क्या है, ई तो मेरा आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट रह जाता है। मल्टीप्लिकेशन है मेरा, तो पी को जब ई के साथ ऑपरेट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, पी के, इसको थ्री मान लिया कहाँ से, फ्रॉम टू से, फ्रॉम टू से लिखे हैं कि इनटू सी इक्वल टू ई होता है। उसी तरह पी डॉट ए डॉट सी, अब पी डॉट ए को एक साथ रखे और सी को बाहर करते हैं तो पी डॉट ए, पी डॉट ए, देखिए यहाँ से पी डॉट ए, पी डॉट ए इक्वल टू क्या लिखे, ई, क्योंकि ई के इक्वल है, आइडेंटिटी है मेरा। अब ई को ई डॉट, ई डॉट रहने दें, बी डॉट, बी डॉट ए के बदले ई लिखे और फिर सी का सी रहने दिए। अब ई को जब सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी के इक्वल होगा, सी के इक्वल, क्यों, क्योंकि ई तो मेरा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को किसी के साथ भी ऑपरेट करे तो वही एलिमेंट रह जाता है, तो इक्वल टू सी होगा। अब इसको थ्री और इसको फोर मान लें, चूंकि जी मेरा क्या है, ग्रुप है,
जी मेरा ग्रुप है एंड एबीसी बिलोंग करेगा किस में, जी का, क्योंकि ए तो ग्रुप का ही, ये तो ग्रुप जी में ही था, ग्रुप जी में ही था, और बी और सी भी टू इनवर्स था, किसका, ग्रुप जी का, इस एलिमेंट का इनवर्स था, इस एलिमेंट का इनवर्स था, तो इनवर्स तो ग्रुप में ही होगा, तो ए बी सी सब बिलोंग करेगा कहाँ से, जी से। चूंकि देखिए बी डॉट ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू सी, ये दोनों इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ग्रुप में तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, तो बाय एसोसिएटिविटी ए सी को एक ब्रैकेट में रखे हुए यहाँ पे और बी और ए को एक ब्रैकेट में रखे हुए, तो ग्रुप में तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, जब ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई, तो ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, तो बी डॉट ए डॉट सी, बी डॉट ए डॉट सी के लिए, तो देख सकते हैं हम बी डॉट ए डॉट सी इक्वल टू क्या है मेरा बी, तो वही यहाँ पे लिखे हुए बी डॉट ए डॉट सी इक्वल टू बी, और फिर उसी तरह मेरा क्या है b.a.c इक्वल टू c है, तो b.a.c इक्वल टू c लिखेंगे, तो फ्रॉम कहाँ से लिखे, फ्रॉम थ्री एंड फोर, फ्रॉम थ्री एंड फोर यहाँ से लिखे दोनों को b और c, यहाँ दोनों इक्वल आ गया, तो हम लोग हम लोग माने क्या थे कि b और c दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक कोई एलिमेंट है ग्रुप जी में तो उसका दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इनवर्स को हम लोग क्या दिखा दिए, सेम, दोनों इनवर्स को इक्वल दिखा दिए, इसका मतलब क्या, इनवर्स मेरा यूनिक होगा, उस ग्रुप में इनवर्स जो होगा सो मेरा क्या होगा, यूनिक होगा, उस ग्रुप में जो एलिमेंट है उस ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो मेरा इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, प्रत्येक एलिमेंट का जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एक और एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट, एक और सिर्फ एक ही होगा, तो वही यहाँ लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट का इनवर्स जो है वो होगा सो यूनिक होगा, आइडेंटिटी मेरा पूरे ग्रुप के लिए एक होता था लेकिन इनवर्स जो है सो उस ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट का होगा वो भी यूनिक होगा, अगर ये कोई भी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स होगा, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा और प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आइडेंटिटी पूरे ग्रुप के लिए एक ही होता था। तो बस चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में शेयर करें, धन्यवाद आपका।